गुप्ता जी दिल्ली के किसी पॉश इलाके में 500-600 गज की कोठी दिला दो, जहाँ शांति से रहने में मजा आ जावे। शांति तो प्रधान जी ऊपर जाके मिलेगी। ए गुप्ता जी कैसी बात कर रहे हो, अरे तुम्हें मरना जाके कहीं ऐसे ही मर जाओ, मुझसे क्यों कह रहे हो जल्दी ऊपर जाने को। अरे अभी तो मेरा ब्याह भी ना हुआ, 3-4 बालक भी करने हैं मुझे। अरे प्रधान जी आप गलत समझ रहे हैं, मैं उस वाले ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहाड़ों की बात कर रहा हूँ, और वहाँ आपको शांति के साथ साथ सुंदरता भी मिलेगी। अरे वो सब तो ठीक है गुप्ता जी, लेकिन ऊंचाई पर जाके मेरा बीपी लो हो जावे। अरे इस चक्कर में तो बुर्ज खलीफा वाला फ्लैट बेच रहा हूँ मैं, कोई पार्टी हो तो बताना। अरे वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन एक बार आप मेरे साथ ऋषिकेश चलो, कसम से ऐसी जगह दिखाऊंगा ना कि दिल्ली नवेडा सब भूल जाओगे। अच्छा जी कहा रेट चल रहा हूँ। रेट का तो ये समझ लो प्रधान जी कि यहाँ से 4 गुना ज्यादा जमीन मिल जाएगी आपको वहाँ। मैं तो कह रहा हूँ प्लाट खरीद लो वहाँ पे और फार्म हाउस बनवा दो, रिहाइश की रिहाइश और कमाई की कमाई। बातें तो बड़ी लुभावनी करते हो गुप्ता जी, एक बात बताओ वहाँ कोई दिक्कत तो ना हो जाएगी, जैसे हम नोएडा के रहने वाले पहाड़ों में जमीन खरीद सके। अरे आप फिक्र मत करो, मेरे ससुर पटवारी हैं वहाँ पे, आप मेरे साथ चल के एक बार जमीन देख लो बस। अरे तो फिर क्या दिक्कत है गुप्ता जी, कल सुबह ही चलते हैं फिर। अरे गुप्ता जी यहाँ एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ पहाड़ है, प्लॉट कहाँ दिलवा रहे हो तुम मुझे। अरे बस 1 किलोमीटर और जाना है प्रधान जी, फिर समझ लो आप अपने प्लॉट पे ही खड़े हैं। अरे तो फिर अपनी खटारा यहाँ क्यों रोक ली, चलो वहीं पे। कार से नहीं प्रधान जी, अब यहाँ से हमें पैदल चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्लॉट जो है ना पहाड़ की उस वाली चोटी पे है। इतने ऊपर? हाँ प्रधान जी, चढ़ पाओगे आप? अरे गुप्ता जी चढ़ने में तो मैं पूरा एक्सपर्ट हूँ, बचपन में बड़े बड़े पेड़ पर नहीं चढ़ जावे। अरे तुम अपनी सोचो, घुटने तो मजबूत है ना तुम्हारे, कभी चढ़ते वक्त कट कट की आवाज आवे। कभी कभी थोड़ी दिक्कत तो हो जाती है प्रधान जी, लेकिन काम करना भी तो जरूरी है ना। चलिए मैं आपको प्लॉट दिखाता हूँ। हाँ जल्दी चलो गुप्ता जी, मौसु सबर ना हो रहा। बस प्रधान जी ये देखो प्रधान जी, 1 नंबर का प्लॉट है और सामने देखेगा वैली व्यू। आप यहाँ बस कोठी बनवाइए, कसम से कह रहा हूँ जिंदगी भर विटामिन डी की कमी नहीं होगी। अरे यू सब तो ठीक है गुप्ता जी, लेकिन प्लॉट तक को तो रास्ता ना बना हुआ, यहाँ रोड रोड चढ़ के कौन आएगा मरने को। बस 7-8 महीने की बात है प्रधान जी, उसके बाद यहाँ तक सड़क बन जाएगी। और तो और प्रधान जी सामने वाली पहाड़ी में हवाई अड्डा बनने वाला है। फिर तो ठीक है गुप्ता जी, अपने हेलीकॉप्टर से आऊंगा यहाँ। अरे हाँ प्रधान जी, मैं तो कह रहा हूँ आज ही बयाना कर दो, कल मैं आपकी पक्की रजिस्ट्री करा दूंगा और परसों से आप अपना कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दो। गुप्ता जी कैसी बात कर रहे हो तुम, कंस्ट्रक्शन करना क्या हलवा है, अरे यहाँ लेबर और मटेरियल आएगा कैसे। भाई जी बंजी जंपिंग करोगे? ना भाई ना, मैं तो यहाँ प्लॉट देखने आया हूँ। भाई साहब मैं भी 2 साल पहले यहाँ प्लॉट ही देखने आया था, और इस गुप्ता ने 600 गज का प्लॉट मुझे खरीदवाया भी था। क्यों गुप्ता जी बताया ना तुमने इन्हें? अरे मैं क्या तेरी बायोग्राफी लेके घूम रहा हूँ जो सबको बताता फिरूंगा? अरे जो बात जरूरी है वही तो बताऊंगा। ना भाई तू बता बात क्या है और प्लॉट कहाँ है तुम्हारा? अरे यहीं ऊपर 2 किलोमीटर था। था मतलब? मतलब मैं बताता हूँ भाई साहब, पूरी 6 महीने की मशक्कत के बाद जैसे तैसे मैंने एक एक टोली रेता बदरपुर ईंटे ऊपर चढ़वाया था, और जैसे ही कंस्ट्रक्शन शुरू हुई पूरा प्लॉट विद मटेरियल नीचे घाटी में चला गया। मतलब पूरा प्लॉट सुहा होगा गुप्ता जी? अरे पूरा नहीं, 600 गज में से 6 गज बचा हुआ है, उसी पे बंजी जंपिंग कराते हैं। आ जाओ भाई साहब खुद भुगतेंगे। अरे गुप्ता जी यू क्या भसगुड़ी है, तुम क्या मुझे पहाड़ों में लुटवाने को लाए हो, चलो वापिस चलो। अरे रुकिए तो प्रधान जी, आपको पहाड़ में प्लॉट नहीं लेना है, मत लीजिए, मेरी एक साइड नीचे घाटी में चल रही है, उसे देख लीजिए, वो आपको जरूर पसंद आएगी। ठीक है जब इतनी दूर आए पेट्रोल फूक के तो एक बार उसे भी देख लेंगे। चलो प्रधान जी पास पास पास। ये देखो प्रधान जी, ये है हमारा घाटी वाला प्लॉट, और यहाँ पे ना तो कंस्ट्रक्शन की टेंशन है और ना ही लैंडस्लाइड का डर, और सुबह शाम आपको गंगा मैया के दर्शन भी होंगे, आप तो ये समझ लो कि हमेशा उनकी गोद में रहोगे बस। अरे वो सब तो ठीक है गुप्ता जी, लेकिन यहाँ कोठी बनवाने को तो रोड तक भराव करवाना पड़ेगा, अरे इतना मलबा आवेगा कहाँ से। अरे उसकी तो टेंशन ही मतलब प्रधान जी, वो तो खुद आएगा ऊपर से। ऊपर से मतलब?
अरे भगवान जी के मलबे की ट्रॉली भर भर के भेजेंगे मेरे लिए। अरे यही समझ लो प्रधान जी, दरअसल क्या है ना, लैंडस्लाइड तो आपको पता ही है, अगली बार जब भी कोई पहाड़ी टूटे आप सारा मलबा इकट्ठा करके अपने प्लाट का भराव करवा लेना, आपका काम फ्री में हो जाएगा। बातें बनाने में पूरे एक्सपर्ट हो गुप्ता जी, लेकिन एक बात बताओ, अगर महीना दो महीना लैंडस्लाइड ना हुई तो क्या मैं खाली बैठ कर मूंगफली छीलूंगा और फिर क्या करूंगा ऐसे प्लॉट का? अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता प्रधान जी। राफ्टिंग करोगे भाई जी? ना भाई ना, हम तो यहाँ प्लॉट देखने आए। कोई फायदा ना भाई जी, मैंने ही प्लॉट खरीदा था एक साल पहले यहाँ, इसी गुप्ता ने तो दिलवाया था। क्यों गुप्ता जी, बताया नहीं ने? हाँ, नहीं बताया तो क्या कर लोगे, चलो निकलो यहाँ से, दिख नहीं रहा हमारा सौदा चल रहा है। अरे एक मिनट गुप्ता जी। हाँ भाई, तू अपनी बात पूरी कर और यूँ बता तेरा प्लॉट कहाँ है। भाई जी हमारा प्लॉट तो हमें दिसंबर में दिखाई दे। मतलब भाई जी मैं बताता हूँ, इस गुप्ता ने रमेश को ये कह के प्लॉट बेचा था कि फ्री का भराव हो जाएगा, अब तक तो हुआ नहीं। और तो और गर्मी में जब गंगा जी का जलस्तर बढ़ा ना, हमारा तो प्लॉट ही पानी में डूब गया। यानी दुनिया की तो भैंस ही जावे पानी में, तुम्हारा प्लॉट ही चला गया। हाँ जी, और जैसे हमारा प्लॉट पानी में गया ना, तो हमने उसी पानी पर राफ्टिंग शुरू कर दी। और क्या जी, दिन के 5-10 हज़ार रुपए तो कमा ही लेते हैं, कहो तो आपका शेयर भी डाल देंगे। आ जा भाई रमेश, चल। ओए गुप्ता, बहुत होगा तेरा ड्रामा, और तेरे बस की ना प्रॉपर्टी डीलिंग करनी, चल वापिस चल। अरे प्रधान जी आप नाराज मत होइए, आपको पहाड़ों में प्लाट नहीं लेना, मत लीजिए, मैं आपको ना दिल्ली NCR में दोबारा ले चलता हूँ, और अगर इस बार आपको प्लाट पसंद नहीं आया तो आपकी जूती मेरा सर। ठीक है, लेकिन आखिरी मौका आयु। ठीक है प्रधान जी। चल प्रधान जी, आपके लिए तो ना ग्रेटर नोएडा ही बेस्ट है। ये देखो प्रधान जी, बराबर में जेवर एयरपोर्ट बिल्कुल तैयार है, और यहाँ पे आप जितना बड़ा प्लाट कहोगे ना उतना बड़ा मिल जाएगा, बस आप जगह पसंद करो। साले जगह के बच्चे, मुझे लग रहा तू मेरे हाथन से मर के जाओगे। क्या हो गया प्रधान जी? साले जो तू जमीन दिखा रहा हो ना, ये मेरे मामा की है, 2 दिन मेरे खराब कर दिए, 1000 किलोमीटर मुझसे गाड़ी चलवा दी और हमारी जमीन हमें दिखा रहा। प्रधान जी गलती हो गई, माफ कर दो प्रधान जी। अरे गलती गई तेरी तेल लेने, बेटा तू मेरे गैल चल, मैं तो सिखाऊंगा कैसे काम करें, चल तू। अरे छोड़ दो प्रधान जी, ढंग से मार ले पानी। बेटा गुप्ता यू तेरी सजा है, अब तू 3 दिन तक यही घेर में रहेगा, सुबह गोबर उठानो, इनकी सानी करनी है और टाइम से नहलाना भैंसन ने, और सुन 4 बजे धार कट जानी चाहिए, समझा? जी प्रधान जी। नहला मेरा पानी। लीलू प्रधान जी। हाँ जी। राम राम जी। राम राम जी। मेरा नाम शर्मिला है और मैं लेना देना प्रॉपर्टीज से आई हूँ। हमने सुना है कि आप कोई ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। बिल्कुल सही सुना मैडम आपने, बिल्कुल तुम्हारे जैसी चाहिए ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास तो दिखा दो। जी बिल्कुल, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी है, वो भी बीच साइड पे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ गोवा चलना पड़ेगा। है मैडम, या मैं भी कोई पूछने की बात है, अभी चल लेते हैं। सुन भाई गुप्ता, जब तक मैं गोवा से वापस ना आ जाऊँ ना, भैंसन को जिम्मा तेरा है, समझ गा? लग जा काम पे। जी जी प्रधान जी। चलो मैडम। जी सर। आपको ब्याह होगा? नहीं सर, लड़का सर्च कर रहे हैं। अरे तो हमारे पास बच्चे रहते हैं, चलो ना देख देख। जी सर।